क्वेश्चन सिक्स स्टूडेंट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन सिक्स मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ बोर्ड पे, तो आप लोग बुक लेके अपने पास बैठिएगा। क्वेश्चन सिक्स है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी का जो एज का रेशियो गिवन है 5:7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी रेशियो की बात करें क्वेश्चन में तो आप एक्स मानेंगे, जैसे 5:7 है तो 5x और 7x आप लेंगे। ओके, क्वेश्चंस आगे पढ़ते हैं। अब बोला है क्वेश्चंस, 4 years फ्रॉम नाउ। देखिए, 4 years फ्रॉम नाउ यानी 4 साल के बाद की बात किया है क्वेश्चन में, ठीक है। जब भी अगर बात की बात करें तो आप 4 ऐड करेंगे, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। और 4 साल के बाद जो हरी और हैरी का जो एज का रेशियो है वो 3:4 है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, हरी और हैरी का रेशियो में एज मेंशन है 5:7। जब भी आपको रेशियो में बात करें, जब भी कोई भी एज रेशियो में दे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको रेशियो में मैथ्स में दिया जाए, तो आप एक्स लेट करेंगे। जैसे हरी का आप 5x लेंगे और हैरी का आप 7x लेंगे। अब इसने बोला है कि 4 years फ्रॉम नाउ, तो देखिए हरी का एज कितना था 5, हमने इसमें क्या लेट किया 5x, तो 5x+4। ओके, और हैरी में भी 4 साल आप ऐड करेंगे यानी 7x+4। अब देखिए इसने एक बात कही है क्वेश्चंस में कि 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल के बाद जो हरी और हैरी का जो एज का रेशियो है वो 3:4 है, तो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले 5x+4 upon 7x+4 = 3/4, फिर इसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एज निकालना है दोनों का। प्रेजेंट एज क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज हरी 5x और आप प्रेजेंट एज हैरी 7x, ठीक है। अब आप इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसने, 4 years फ्रॉम नाउ, यहाँ पे आप लिखिए 4 years या आप 4 years फ्रॉम नाउ लिख सकते हैं या आफ्टर 4 years लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। अब इसने 4 साल की बात की है, तो दोनों में आप 4 years ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हरी का कितना परसेंटेज है 5x, तो 5x+4 = 7x+4, ठीक है। हमने दोनों के एज में क्या किया, 4 years हमने ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, फाइंड देयर, इनका जो रेशियो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है 4 साल के बाद, तो 5x+4 upon 7x+4 = 3/4। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कर लीजिए और फिर हमें हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 5x+4 into 4 = 7x+4 into 3। सबसे पहले देखिए एरो का ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाले को सबसे पहले लिखेंगे, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, फिर देखिए नीचे से ऊपर की और एरो जा रहा है, तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई इनटू ऊपर का पार्ट जो भी होगा क्वेश्चन में। अब देखिए 5x को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5x into 4 20x, बीच में साइन जो भी होगा आप वही यहाँ पर लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का, 4 4 = 16, 7 3 = कितना होता है 21x और 4 3 = 12। ओके, अब देखिए x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 20x - 21x = 12 - 16 - x = -4, x = कितना आ गया 4। अब हमें प्रेजेंट एज हरी का और हैरी का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज हरी 5x है ना, और x की वैल्यू हमारा क्या आ चुका है 4 आ चुका है, यानी 5 into 4 20 years,
प्रेजेंट एज कितना है हरी का? 20 इयर्स. और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, प्रेजेंट एज ऑफ हैरी 7x है. तो 7 × 4, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 4 आया है, तो 28 इयर्स. यानी आपका जो हरी का प्रेजेंट एज है वो 20 इयर्स है, हैरी का प्रेजेंट एज 28 इयर्स. ओके.